हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ए एंड हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स, ए एंड हेल्पिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आयुष्मान भारत जो बन रहा है, तो फ्रेंड्स बता दें कि वहां पे अगर आप किसी गांव में कैंप लगाते हैं और जाते हैं वहां पे आयुष्मान भारत बनाने, तो वहां पे कैसे बनाइएगा। वहां पे आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, जो कि आपको सभी गांव का लिस्ट होना चाहिए प्रॉपर, और वहां पे जाइएगा और बताइएगा, या किसी भी मुखिया या जो भी है वार्ड वगैरह को पकड़िएगा और बताइएगा कि इतना इतना का जो भी है उसका लिस्ट है, उनको कहिए कि आयुष्मान भारत बनवा ले, तब जाके आपका मोटा रकम का कमाई होगा। नहीं तो ऐसे जाके डायरेक्ट आप बैठ कर आप कैंप लगाते हैं तो आपके सामने कोई नहीं आएगा और किसी को मालूम भी नहीं है कि मेरा नाम आयुष्मान भारत लिस्ट में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप खुद से देखना चाहते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं लिस्ट में, तो फ्रेंड्स बता दें कि ये जो आपका अभी हम जो वीडियो में आपको प्रोसेस बताने वाले हैं, आपने फोन से भी देख सकते हैं, या फिर आपके पास सीएससी है या कोई भी आप कैंप लगाना चाहते हैं और मोटा कमाई करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको हम प्रॉपर गाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपने कोई भी क्रोम ब्राउजर या फोन में खोल रहे हैं तो फोन में भी आप क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे और थ्री डॉट पर करके आप उसको डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो भी डेस्कटॉप मोड में हम जो एक्टिविटी करेंगे वो सेम एक्टिविटी आपके साथ होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल में आइएगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है आपके द्वार आयुष्मान, ठीक है, लिखना है आपके द्वार आयुष्मान, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो वेबसाइट खुलेगा आपके द्वार आयुष्मान, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा, एकदम सिंपल सा डैशबोर्ड है जो कि आपका बहुत ही बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कोई भी अगर आप खुद से देख रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हैं, आप कोई भी साइबर कैफ़े वाले नहीं हैं, तो आप अपना नंबर डालेंगे, या भी अगर साइबर कैफ़े वाले भी हैं तो वो भी अपना नंबर को टाइप करेंगे और यहाँ पे एक OTP भेजा जाएगा आपके फ़ोन पे। OTP डालने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये OTP सेंड कर चुका है, यहाँ पे हम ओके करेंगे और OTP को हम डालेंगे। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। देखिए, लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड जो कि दिखेगा। फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सा डैशबोर्ड है जो कि एकदम आपको बहुत ही फ़ोन में भी खोलिएगा तो लेंदी प्रोसेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो अब यहाँ से सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपने जो डाटा निकालना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो गाँव का डाटा है उसके उस डिस्ट्रिक्ट का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा नाम। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक, तो ब्लॉक टाइप में क्या करना है कि आपको ब्लॉक ब्लॉक ही रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गांव का, जो भी गांव के से आप कैंप लगाना चाहते हैं या जिस भी गांव का लिस्ट निकालना चाहते हैं उस गांव का लिस्ट निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ फिल हो चुका है। अब हम सर्च पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए सामने मेरे पास एक PDF यहाँ पर शो हो रहा है। तो देख सकते हैं कि ये PDF, हम इस PDF पर ओके करेंगे तो यहाँ पे ये PDF मेरा डाउनलोड हो चुका है। जितना भी मतलब गांव में आदमी है और उनका आयुष्मान कार्ड में नाम है जिनका, उनका सारा लिस्ट यहाँ पे खुलकर चलाएगा। तो देख पा रहे हैं कि ये जो है 40 पेज में है, जो कि पूरा गांव का जो कि आयुष्मान भारत का लिस्ट है। तो इसमें आपको सर्च कैसे करना है, Ctrl+F करके, या फिर आप फोन में कर रहे हैं तो आप ऊपर एक देखिएगा तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जिसका भी नाम सर्च करना चाहते हैं उसका नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे ही नाम सर्च कीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आ चुका है। अब इस आदमी का यहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड नंबर भी मिल चुका है। अब इस आयुष्मान कार्ड नंबर से आप डायरेक्ट जाकर आयुष्मान भारत जो कि कार्ड है वो बना सकते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यवसाय लिख रहा होगा, बेनिफिशियरी NHA.gov.in, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में हमने पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाया है कि कैसे आपको आयुष्मान भारत कार्ड बनाना है, उसके बारे में हमने पूरा प्रॉपर बताया है। अभी थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो होगा उसको खोल लीजिएगा। जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट खोलिएगा तो यहाँ पे बेनिफिशियरी आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के, उसके बाद
यहाँ पे एक OTP जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप उसको KYC कर सकते हैं। उसमें सर्च करने का ऑप्शन रहेगा कि किस चीज़ से सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे आयुष्मान भारत का ये जो नंबर दिख रहा है, ये इसको कॉपी कीजिएगा और उसके बाद वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पे सर्च हो जाएगा और उसके सेम उसी का आएगा डिटेल, जितना भी फैमिली का जो होगा उसके अंतर्गत उसका सारा डाटा जो कि आपके सामने आ जाएगा। और जिस भी आदमी का आपको उस फैमिली से बनाना होगा आयुष्मान भारत कार्ड, उसका आप बना सकते हैं आयुष्मान भारत कार्ड। तो इस प्रकार से आपका जो भी किसी भी गांव का आयुष्मान भारत कार्ड का लिस्ट जो है उसको कैसे लोड करना, ये हमने पूरा इस वीडियो में प्रॉपर बताया है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे वीडियो हम प्रतिदिन लाते रहते हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके सामने जो भी हम वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।